हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ यूवराज मलिक एंड आप देख रहे हैं विद इन यूट्यूब चैनल। एंड मैं आपको बता दूँ, ये IUPAC चल रही है। लास्ट टाइम हमने IUPAC पार्ट वन पढ़ाया था, और अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो आप पहले पार्ट वन देखिए। IUPAC के टोटल तीन पार्ट हैं, जिसमें IUPAC का बेसिक, IUPAC के रूल और IUPAC के एग्जाम्पल्स कराए जाएंगे। और ये सेकेंड पार्ट है IUPAC का, और फर्स्ट पार्ट देखना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि हेटरो एटम और फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? तो द एटम विच रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम मतलब कार्बन के कंपाउंड में जो एक हाइड्रोजन एटम को अगर हम रिप्लेस करके कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो वो हेटरो एटम होता है, हेटरो ग्रुप होता है या फंक्शनल ग्रुप होता है। तो CH3OH में जो OH लगा हुआ है, ये क्योंकि OH ने H को रिप्लेस किया, इसलिए हेटरो ग्रुप हेटरो एटम होगा, यानी फंक्शनल ग्रुप होगा। CH3COH में जो COH है, इसने H को रिप्लेस किया है, इस वजह से हेटरो एटम फंक्शनल ग्रुप होगा। तो फंक्शनल ग्रुप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, उसी की वजह से कंपाउंड का नेचर चेंज हो जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म होती है एल्काइल ग्रुप। ठीक है फ्रेंड्स, तो एल्काइल्स अटैच टू कार्बन एज इट्स ब्रांच। जो एल्काइल्स होते हैं ये ब्रांच की तरह ऐड हो जाते हैं, और कंसीडर किया जाता है एक्सटर्नल ग्रुप को, एक्सटर्नल ग्रुप कंसीडर किया जाता है विच नोन एज एल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल, अगर हम बोलते हैं CH3, CH2, CH3, ये कंपाउंड है और मैं इसमें ब्रांच बनाना चाहता हूँ, तो मुझे एल्काइल ग्रुप में इसमें एक ऐड कर सकता हूँ। तो ये जो ब्रांच बनी है इसे हम एल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं, यानी इसका नाम हम जो लिखेंगे CH3 है। तो जो इसका जो नेम होगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1, और उसके बाद एक बॉन्ड जरूर खाली होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमें देखना है CnH2n+1, यानी जितने भी कंपाउंड्स हैं, यानी CH4 है, यानी C2H6 है, तो अगर हम इसमें से एक कम कर दें तो एल्काइल ग्रुप बन जाता है, यानी एक हाइड्रोजन को हटा दें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसमें n=1 देखते हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड बचता है, n=2 रखते हैं तो C2H5 सिंगल बॉन्ड बनता है, n=3 रखते हैं तो C3H7 सिंगल बॉन्ड बनता है, जिसका नाम है मिथाइल एथाइल और प्रोपाइल। मिथाइल मतलब क्योंकि इसमें कार्बन 1 है, एथाइल इसमें कार्बन 2 है, और प्रोपाइल क्योंकि इसमें कार्बन 3 है फ्रेंड्स। तो हमें जानना ये है, थोड़ा चेंज करते हैं, हमें जानना ये है कि जो CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH3, ये जो है ये एल्काइल ग्रुप है जो कि ब्रांच की तरह ऐड होता है किसी भी कंपाउंड में, और इसमें ब्रांच के लिए हम इसको, इसका जो नाम होता है, अगर हमें नाम देखना है कि ये सिंगल बॉन्ड CH3 है क्या या सिंगल बॉन्ड C2H5 है, ये एक रेडिकल की तरह यूज़ होता है, एक हेटरो एटम की तरह यूज़ होता है, जिससे कि ब्रांच बनाई जाती है। और अगर इसका नाम देना है तो इसका नाम क्या होता है, मैंने आपको बताया है, इसके नाम के लास्ट में वायर लग जाता है, जैसे C3H7 है, तो C3 का क्या मतलब होता है, C3 का मतलब होता है, C3 का मेथ एट प्रोप होता है, और प्रोप के बाद में YL इसमें जुड़ जाता है, तो YL क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। अगर कोई तो आपसे पूछता है कि C2H5, अगर कोई आपसे पूछता है कि C2H5 का नाम बताओ जो कि सिंगल बॉन्ड से अटैच हो सकता है, तो इसका नाम क्या होगा, C2 पर क्या होता है, एथ होता है, तो एथ में वायल लग जाए तो एथाइल बन जाएगा, तो इसका नाम एथाइल होता है, हम यही याद रखेंगे। वापिस आते हैं एथाइल पर, इसका नाम एथाइल होता है, और एक्सरसाइज एग्जांपल के थ्रू पर ये जो ब्रांच है ये ब्रांच की तरह यूज़ होता है, जो भी ब्रांच की तरह यूज़ होता है उसमें YL जुड़ जाता है क्योंकि कार्बन एक है तो ये मिथाइल है।
न्यूपेट पर चलते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें मैं आपको बता दूं, ये है IUPAC रूल्स विच आर वेरी इम्पोर्टेंट। अगर ये रूल्स आपने समझ लिए तो ये श्योर हो जाएगा कि आप आराम से IUPAC में 4 to 5 marks बोर्ड एग्ज़ाम में ला पाएंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट रूल के साथ, जिसका हिंदी मीनिंग भी मैंने दिया हुआ है। जिस बच्चों को थोड़ी इंग्लिश पढ़ने में या समझने में प्रॉब्लम आती है, वो हिंदी के थ्रू भी दोबारा से भी पढ़ सकते हैं। सो इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है किसी भी लाइन में, इट इज़ इंडिकेटेड, वो ये इंडिकेट करता है कि उस कंपाउंड का नाम क्या होगा, या वो जो कंपाउंड है, वो जो फंक्शन ग्रुप है, वो प्रीफिक्स बनेगा या फिर सफिक्स बनेगा। आई थिंक इसका मतलब है, अगर कोई भी फंक्शन ग्रुप होता है तो हमें यह देखना है कि उसका नाम क्या है तथा वह सफिक्स है या प्रीफिक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक हमने कंपाउंड दिया है CH3Cl। तो जो Cl फंक्शनल ग्रुप है हमें पता है, क्योंकि Cl ने H को रिप्लेस किया है, इसलिए Cl जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप है। और जो Cl होता है वो प्रीफिक्स होता है, मतलब पहले जुड़ता है। प्रीफिक्स है या सफिक्स है, ये प्रीफिक्स सफिक्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो सफिक्स होते हैं वो कंपाउंड के नेम होते हैं या फिर कोई भी एलिमेंट का भी नाम होता है, जो कि अटैच होते हैं लास्ट में। लास्ट में मतलब जब भी हम कोई नेम लिख रहे हैं, जैसे मैथेनॉल, तो ओल जो है वो लास्ट में जाकर ऐड होगा, लास्ट में ऐड होते हैं। और जो प्रीफिक्स है वो एलिमेंट और ग्रुप है जो कि फर्स्ट में आता है, नाम लिखते हुए सबसे पहले आता है। इसलिए हमें देखना है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रीफिक्स है या फिर सफिक्स है। इसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स हैं, कौन से सफिक्स हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। दूसरा जो रूल आता है वो है आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम, दिस इज गिव द नेम ऑफ पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन। मतलब कि हमें सबसे पहले सबसे लंबी लॉन्गेस्ट चेन को देखना है जो कि पेरेंट बनेगी और जिसके बेसिस पर हम हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, अगर आप इसके थ्रू समझते हो तो आपको इजीली समझ आएगा। हमें सी की सबसे लंबी लाइन चूज़ करनी है। पहला कंपाउंड है CH2, CH3, CH2, 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 CH3, और एक ब्रांच है CH3 की, इसे हम ब्रांच बोलते हैं, याद रखना। ये जो लटका हुआ होता है अलग से, इसे हम ब्रांच बोलते हैं। तो हमने देखा कि इसमें कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कार्बन है। तो हम एक साथ तो सबको ले नहीं सकते कि हम इन 8 को भी ले लें और इस ब्रांच को भी ले लें, ये तो पॉसिबल नहीं है। हमें पर रस्ते कौन से, पहले हम A1 काउंट करें, कार्बन कार्बन हमें देखने हैं, H से हमें कोई मतलब नहीं। एक कार्बन, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो हो गए अगर हम सीधा चलते हैं, तो अगर हम मुड़ जाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 ही होते हैं। अगर हम इधर से चलते हैं तो 7 होते हैं, बट अगर मुड़ जाते हैं तो फिर 4 या 5 होते हैं। तो हमें यह समझ आता है कि जो अगर हम लॉन्गेस्ट चैन को चूज़ करना चाहते हैं तो हमें सीधा ही चलना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये लाइन को सिलेक्ट कर लिया। ये रेड वाली लाइन इंडिकेट कर रही है कि यह गलत लाइन है, और जो ब्लू लाइन है वो इंडिकेट कर रही है कि वो सही लाइन है। तो इसका इसमें हमने देखा कि कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। C7 वाली लाइन हमने चूज़ करनी है, यही वो सेकेंड रूल है। सेकेंड एग्जांपल पर आते हैं फ्रेंड्स। इसमें जो सीधी लाइन है CH3, CH2, 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 CH, CH3 और नीचे दो ब्रांच हैं CH2, CH3। तो अब हमें देखना है कि हमारे पास अगर हम यहाँ से चलते हैं तो कितने रास्ते बनते हैं, 1 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। अगर हम सीधी ब्रांच में चलते हैं तो कार्बन आ रहे हैं 6 कार्बन आ रहे हैं। और लेकिन अगर हम मुड़ जाते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, अगर हम फर्स्ट ब्रांच में मुड़ जाते हैं तो कार्बन 7 आ रहे हैं। और फिर हमने देखा कि हमारे पास दो टाइप के कार्बन हो गए, 6 और 7।
तो हमारा रूल नंबर टू यही है कि हमें लॉन्ग चैन चुनना है, तो हमें ये मोड़ी वाली चैन को ही चुनेंगे। और ये जो रेड से चुनी हुई है ये क्रॉस है, इसका मतलब ये गलत इंडिकेट कर रहा है, और जो ब्लू वाली है वो सही है फ्रेंड्स। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमने लॉन्ग चैन लेनी है, और लॉन्ग चैन ही क्यों लेनी है ये मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा, या इसी वीडियो में आगे बता देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप ये वीडियो देखते रहिए, और आपको कुछ भी समझना है, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। अब तक आपने दो ही रूल पढ़े हैं, पहला रूल कि हमें चेक करना है कि जो फंक्शन ग्रुप है वो प्रीफिक्स है सफिक्स है, और दूसरा कि हमें लॉन्ग चैन चूज़ करनी है। तीसरा रूल ये है कि रीड द कंपाउंड्स, यानी रीड द कार्बन एटम, कि कार्बन एटम कितने हैं। सबसे पहले हमें देखना है कार्बन 5 है या 6 है या 7 है या 8 है। सबसे पहले हमें कार्बन को काउंट करना है, और उसके बाद हमें ये देखना है कि श्योर होना है कि आइदर इट्स सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, हमें ये देखना है। वाइल सफिक्स एन, राइट सफिक्स एन फॉर सिंगल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड है तो हमें ए एन नहीं लगाना है, डबल बॉन्ड है तो हमें ई एन नहीं लगाना है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें वाई एन ई लगाना है। ये हम याद रखेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए ए एन ई, डबल बॉन्ड के लिए ई एन ई, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन ई। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले एग्जांपल पे चलते हैं। सेस्टर सेस्टर सेस्टर, इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, मतलब सिंगल बॉन्ड है। पहले कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन है 4 और सिंगल बॉन्ड है, कार्बन 4 है, तो इसको लिखते हैं हम ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड को लिखते हैं एन, तो बन गया ब्यूट एन, ब्यूट एन, ब्यूट एन, ब्यूट एन। कार्बन सी की जगह ब्यूट होता है, ये अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं हम। दूसरा एग्जांपल ये है CH3CH CH2CH CH3। ठीक है फ्रेंड, तो अब इसको देखते हैं हम, इसमें डबल बॉन्ड दिया हुआ है, पहले तो कार्बन गिनो, 1 2 3, कार्बन गिन लिए, 4 हैं। इसके बाद रूल देखो, कार्बन 4 पर आता है ब्यूट, हमने अभी देख लिया है, और डबल बॉन्ड पर आता है ई एन ई, तो बन गया ब्यूट इन, ब्यूट इन, ब्यूट इन। CH3CO इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड में वाई एन ई लगता है, कार्बन 3 है, तो प्रोप प्रोपाइन 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 प्रोप प्लस वाई एन ई, तो क्या बन गया है, प्रोप पाइन। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ ही गए होंगे, आगे चलते हैं। अच्छा एक से एक बार देख लेते हैं, हमने देखा ट्रिपल बॉन्ड है, रूल कार्बन 3 है तो प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन प्रोपाइन, प्रोप प्लस आइन प्रोपाइन। आगे चलते हैं, इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, जैसे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है ही, उसके अलावा अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, द एंडिंग ई, जो एन में ई है, ए एन ई में ई है, वाई एन ई में ई है, ई एन ई में ई है, जो एंड वाला ये ई है ये हट जाता है, एंड वाला ई हट जाता है, और उसकी जगह पर फंक्शनल ग्रुप का नाम लग जाता है, जैसे CH3CH2OH, और इसका इसमें कार्बन कितने हैं, 2, तो एथ हो गया, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन हो गया, और OH लगा हुआ है इसलिए ओल हो गया, OH की वजह से ओल लगता है। ये किसकी वजह से क्या लगता है, या मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ये अभी सिर्फ मैं आपको रूल समझा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ रूल समझा रहा हूँ। अगर आपको ये रूल क्लियर हो गए तो आपको कोई भी IUPAC करने से रोक नहीं सकता फ्रेंड्स। तो एथ एन ओल, एथेनॉल, ई जो है वो हट जाएगा, ये हमें ध्यान रखना। तो रूल्स कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स, अब हम बताएंगे कौन कौन से फंक्शन ग्रुप का नाम क्या होता है, उनके IUPAC कैसे करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, इस वीडियो को दो देखिए, कोई समझ ना आए तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।